बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्सरसाइज है हमारी 2.2 पेज नंबर 32 पर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जाहिर सी बात है इसमें वेरिएबल जो मौजूद है एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। और पास्ट पेपर के हवाले से ये 2011 में और 1991 में सवाल पूछा जा चुका है पेपर में, तो इस लिहाज से जो पेपर में सवाल आ चुका है वो इंपॉर्टेंट है, वो दोबारा रिपीट भी हो सकता है। इससे पहले एक चीज मैं आपको यहां पर समझा दूं, और ये अक्सर वेस्टर बार बार हर सवाल में न्यूमेरिकल में या फिर एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती है बातें, ये आपको याद होनी चाहिए। आपको हमने ये बताया था कि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे आप तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर आया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया माइनस वन, तो इसका मतलब है आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन तो होती होती है, मगर अगर आयोटा स्क्वायर कहीं पे आ जाए तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस वन के बराबर है। तो ये मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया है, मगर अब आप ये याद कर लेंगे कि आयोटा स्क्वायर जब भी आएगा उसकी जगह माइनस वन रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब आइए जरा सवाल की जाने, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स प्लस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा के बराबर है। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा। पहले मैं फॉर्मूला आपको मेंशन करके बता रहा हूं, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो पहली टर्म a के बराबर है x और b 3 आयोटा के बराबर है। अब देखिए a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2ab, a क्या है x के बराबर है, b किसके बराबर है 3 आयोटा के बराबर है, प्लस b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा इधर क्या है 2y आयोटा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 x आयोटा। अच्छा अब देखिए प्लस का 3 का स्क्वायर 9 आयोटा के ऊपर स्क्वायर आया 2y आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, यहां पे माइनस वन रिप्लेस कर दें तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा, ये माइनस वन होगा, माइनस प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 2y आयोटा हो जाएगा। अब रियल पार्ट को एक साथ कलेक्ट कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें, कैसे x स्क्वायर माइनस 9 इसको एक साथ कर लें, x स्क्वायर माइनस का 9 प्लस 6x आयोटा इज इक्वल टू, यहां पर 2y आयोटा है, यहां पर रियल पार्ट एब्सेंट है, जो चीज एब्सेंट होगी इसको जीरो काउंट करेंगे, तो इसको ऐसे लिख लें 0 प्लस 2y आयोटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गए, कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब हम यहां पर एक काम करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट रियल पार्ट के बराबर इक्वेट कराएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर इक्वेट कराएंगे। तो यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको यहां पर रिमूव कर रहा हूं, और ये एक्स स्क्वायर
माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन उधर जाएगा, प्लस का नाइन हो गया, स्क्वायर को आप उधर शिफ्ट करेंगे स्क्वायर रूट बनेगा और प्लस माइनस साइन के साथ, तो एक्स इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट नाइन, और नाइन का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस थ्री आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, ये एक्स की वैल्यूज आ गई। अब आपको वाई को जो है कैलकुलेट करना है, तो यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं कि आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, सिक्स एक्स इज इक्वल टू, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है टू वाई, टू वन टू टू थ्री था सिक्स, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई थ्री एक्स आ गई, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर वन का। अब मैं ये काम करता हूं कि दोनों वैल्यू जो आई है एक्स की प्लस माइनस में बारी बारी इसमें पुट करूंगा, वाई की वैल्यू आएगी, तो मैं एक काम करता हूं पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, वन इज एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री, थ्री इज नाइन, y की वैल्यू क्या आ गई नाइन। अब मैं माइनस थ्री पुट करूंगा, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, वन इज एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करें थ्री को माइनस थ्री से, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस नाइन आ गई। तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसके सॉल्यूशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इसके साथ ही हम आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए सवाल के सॉल्यूशन के लिए देखते रहिएगा सऊ सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।